नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की बिजली नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि बिजली से सोलर ऊर्जा में स्थानांतरित होना एक अच्छा कदम है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने 50,000 सोलर पंप किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। वे आज यहां पर वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा द्वारा वर्ष 2017-18 और 18-19 के लिए आयोजित राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 और 18-19 के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों को और बेहतर बनाना है, जो कि 2020-21 में और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास और बेहतर भविष्य के लिए विवेकपूर्ण और समझदारी से अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक लगभग 89 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। हरियाणा में भी अब तक अक्षय ऊर्जा की लगभग 561 मेगावाट क्षमता को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 75% सब्सिडी पर लगभग और 15,000 सोलर पंप की स्थापना करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रही है। इसका उद्देश्य स्वस्थ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल तरीके के माध्यम से किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करना है। आप देखते हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा आपसे सोलर एनर्जी का इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि 1800 साल में जितना आदमी ने नॉलेज ग्रहण करा या जितना ज्ञान अर्जित किया वो आईटी की मदद से पिछले 150 साल में होगा। अब जो पिछले 150 साल में हमने करा वो आईटी की वजह से आज 18 साल में हम सीख रहे हैं, और उसका कंपैरिजन करें तब जो नए बच्चे हमारे वो 5 साल में, हमने 1800 साल में करा वो 5 साल में सब पूरी गूगल पे पूरी दुनिया निकाल के दे रहे हैं। इसी हिसाब से हम देखें कि पावर के मामले में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हर जगह बहुत हमारे जितने हेड ऑफ द स्टेट्स हैं सब इकट्ठे होकर इस पर बड़ी चिंता करके इसे ठीक करना चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी जैसे मैं वो कह रहा था 1800 साल से 5 साल का कंपैरिजन कर रहा था, पावर से जो ट्रांसफर होने पे सोलर एनर्जी पे आ रहा है ये एक बड़ा अच्छा मुहिम है, इस पर मैं सबका स्वागत करता हूँ। इन विषम परिस्थितियों में जिन लोगों ने हमारे ऊर्जा का सेव करा, इसको बचाया कि हमने जो सोलर पंप सेट लगा रहे हैं ये बड़ी मांग थी। मैं पिछले 1 साल से जब से मैंने टेक ओवर कराया देखा है, हर जगह लोगों का पहला काम ये था कि साहब हमें वाटर पंप सेट 5 स्टार 3 स्टार का एक आपस में चलता रहा बात विवाद, कुल मिला के हमने बहुत कोशिश करी, आप सब लोगों के एफर्ट से 9000 पंप सेट हो गया। पर ये आने के बाद हम जिसे कहते हैं एक ही जब हमारा एक लॉन्ग स्टेप जंप हो गया कि हम 1 साल में ही 15,000 हमने बुक कर लिए। ये 50,000 का लक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश से, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में हम ये करने जा रहे हैं।